कराची में नेशनल हाईवे पोर्ट कासिम के करीब तीन टैंकर टकरा गए, जिससे दो अफराद जख्मी हो गए। तीनों ड्राइवर्स अपने टैंकर मरकजी सड़क पर छोड़कर भाग गए। हादसे के बाद सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गई है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल हाईवे पोर्ट कासिम के करीब तीन टैंकर उलट गए हैं, जिससे दो अफराद जख्मी हो गए हैं। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद है। दानियल बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पे, कोई रेस्क्यू का अमला पहुँच सका है टैंकर हटाने के लिए? जी देखें, बिल्कुल, कराची का मेन नेशनल हाईवे पोर्ट कासिम के करीब तीन टैंकर हैं जिनमें ट्रैफिक हादसा हुआ है, आपस में टकरा गए हैं। तसादुम के नतीजे में दो अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस की जानिब से टैंकर को सड़क से हटाया जा रहा है। रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो भी जाए वक्तों पर पहुंचे हैं। तीनों ड्राइवर अपने टैंकर मरकजी जो नेशनल हाईवे की इशारा पर छोड़कर फरार हो गए हैं। हादसे के बाद नेशनल हाईवे के ऊपर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कराची के इंतहाई अहम शाहराह नेशनल हाईवे जो कराची को अंदरूनी सिंध से मिलाती है, उसके ऊपर ही ये तीन टैंकर्स में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में ये ट्रैफिक जैम हुआ है और दो अफराद जख्मी हुए हैं। ठीक है दानियल, शुक्रिया आपका।